वो मेरे हाथों मर गए। कौन है आप? मैं बेहोश मिली थी ना उस दिन आपको। मैं वहां अकेली थी या फिर मेरे साथ कोई और भी था? तुम्हें जिसकी तलाश है मैं भी उसी को ढूंढ रही हूं। जिसकी लाश हमारे कोठे से निकाली गई अलमारी में मिली हम भी उसी के बारे में सोच रहे हैं। हमने वो अलमारी एक कबाड़ी वाले को बेच दी थी। उसके बाद से बेफिजूल में ये पुलिस वाले बार बार हमारे कोठे पर आकर चक्कर लगाते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारी बच्चियों को परेशान करते हैं। हम खुद इस बारे में जानना चाहते हैं। हमें लगता है कि आपको और हमें दोनों को मिलकर एक साथ इस मसले को सुलझाना चाहिए। और हमारे पास तो उस इंसान की एक चीज भी है जो उस अलमारी के पास था। हमें एक चीज मिली है, हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आप देखेंगे। तुम्हें जाल में फंसाना मुझे अच्छी तरह आता है कल्याणी। आई शपथ। क्या आप चलेंगी हमारे साथ? हमें उस इंसान की वो चीज भी मिली है और हम आपको दिखाना चाहेंगे। चलेंगी आप हमारे साथ? हाँ। चलिए। आओ, घबराओ नहीं, आओ। अरे देवा, ये आग! अरे देवा, ये आग! ये वही डब्बा है कल्याणी, जिसके अंदर हमने वो घड़ी, वो इंसान की घड़ी संभाल कर रखी थी। सुनिए मस्तानी भाई, संभाल के। मस्तानी भाई, उंगलियां जल जाएंगी आपकी। मस्तानी भाई, तानी भाई, ये क्या किया आपने? अरे बाप रे, आपकी तो उंगलियां जल गई हैं। हाथ जलने से कुछ नहीं होता, ये सबूत बचना बहुत जरूरी था। आप रखिए। उंगलियां जलनी जरूरी थी कल्याणी, वरना मेरी उंगलियों के निशान मिल जाते ना उस कपट। तुमसे हमेशा दो कदम आगे रहूंगा मैं जानता हूँ तुम्हें यहाँ किसने भेजा, और तुमने मुझसे जो भी सवाल पूछे वो वही थे जो मैं पहले से जानता था कि तुम मुझसे पूछने वाली हो। किसकी हो सकती है? आप इतनी घबराई हुई क्यों? कोई आपको चोट पहुंचाना चाहता है? मस्तानी भाई, आपको भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आप ना, आप मेरे साथ चलिए। मेरे पति पुलिस वाले हैं, वो हम दोनों को प्रोटेक्शन देंगे। और हो सकता है कि आपके जरिए उन्हें कुछ हेल्प मिल जाए ये पता लगाने में कि कपट में लाश कहां से आई। जी। पता नहीं मल्हार जी ने वो लेटर अभी तक पढ़ा भी या नहीं, जिसमें मैंने उनको सब सच लिखा था कि जो बेबी मेरी टमी में है वो उनका है। अगर उन्होंने पढ़ा होता तो अभी तक कॉल क्यों नहीं किया मुझे उन्होंने? शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो ये चाहते हैं कि मैं खुद उनके सामने ये बात छेड़ूं। कल्याणी,
मस्तानी बाई माफ करिए कि आपको मुझे ऐसे चुपके छुपा के लाना पड़ा। कोई बात नहीं, वैसे भी बचपन से ये समाज हमें ऐसे जीने पर मजबूर करता है, अब तो आदत सी हो गई है। पर तुम्हारा बच्चा बहुत ही खुशहाल और सेहतमंद रहे। थैंक यू मस्तानी भाई। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे पहले बच्चे को भी ना ब्लेसिंग्स दें। मुझे आई ने बताया है कि आप लोगों की दुआओं में ना बहुत असर होता है, और इस वक्त मेरे पिल्लू को दुआओं की बहुत जरूरत है। आप प्लीज उसे ब्लेसिंग्स देंगे। जाओ। आप इधर ही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। एक तो जरूरी वक्त में ना कभी कल्याणी फोन नहीं उठाती है, उसको पता ही नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है ये मस्तानी भाई ना ठीक नहीं है। ये है मेरा पिल्लू। I'm so sorry मस्तानी भाई, मैं तो भूल ही गई कि आपकी उंगलियां जल गई हैं। मैं ना अभी जाकर आपके लिए ऑइंटमेंट लेकर आती हूँ। चल पिल्लू, काकू के लिए जाके हम ऑइंटमेंट लेकर आते हैं। चल। अरे सुनो, इस प्यारे से बच्चे को हमारे पास भेजो, हमें बच्चे बहुत पसंद है। हमारे पास रहेगा तो हमारे साथ खेलेगा। जाओ, काकू के पास जाओ, मैं अभी आती हूँ। पता नहीं कहाँ लेके जा रही है कल्याणी को। शिकार करने आए थे, शिकार बन के रह गए। ये कजरी आंखें जो झुकी वो दीद को तरस गए। कहाँ रखी है ये? कबर्ड में हो सकती है। कल्याणी, कल्याणी संभाल के, पीछे हटो, पीछे हटो। कल्याणी, कल्याणी तू कितनी स्टूपिड है। मैंने यहां से इतने जोर के झटके में मैं यहां पे आई, और मेरी बीवी को कहीं कुछ हो गया होगा तो बाहर से यहाँ तक इतना बड़ा जोक लिया मैंने, और वो कपड़े की पोटली भी वो मेरे पेट में आके गिरी। मलर्जी, मेरी बेबी को कुछ हो गया होगा ना, मेरी बेबी को कुछ हो गया होगा, मुझे डॉक्टर को दिखाना होगा, हमें डॉक्टर को जाके चेकअप करना चाहिए। मलर्जी, कल्याण सुनो मेरी बात, कुछ नहीं हुआ है, देखो पोटली कुछ नहीं, उसमें चार कपड़े हैं, कुछ नहीं होगा उससे तुम्हें। मलर्जी आपको कैसे पता, आप डॉक्टर थोड़ी रहे। नहीं, मेरी बेबी को कुछ हो गया होगा तो मुझे चेकअप करवाना है। अच्छा मेरी बात सुनो, चेकअप करवाना है ना, अभी करवा लेते। नर्स आई है माई का चेकअप करने के लिए, तुम्हारा भी चेकअप कर लेगी, फिर तुम्हें शांति मिल जाएगी ना कि बच्चे को कुछ नहीं हुआ। ठीक है, चेकअप करा लेते। और सुनो मेरी बात, इस बच्चे की वजह से तुम्हारी जान को खतरा है, समझ रही हो तुम? और अगर इस बच्चे की वजह से तुम्हें कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, और मेरा बच्चा भी यतीम हो जाएगा कल्याणी। इसलिए एक बार तुमसे बार बार बोल रहा हूं मैं, करा लो अबॉर्शन, तुम्हारी जान को खतरा है कल्याणी। मैं नर्स को बुलाने जा रही हूं। मलहारजी बैठो, उधर बैठो, मैं लेकर आता हूं नर्स को। दर्द हो रहा है? हार्ट बीट तो बिल्कुल नॉर्मल है, आप घबराइए मत, आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है।
मिल गई शांति, सब ठीक है ना? इसका मतलब मल्हार जी ने वो लेटर अभी तक पढ़ा ही नहीं है, लेकिन आज मैं उन्हें खुद सब सच बता दूंगी कि ये बेबी उनका है। हो गई तसल्ली? अब ये बताओ कि मस्तानी बाई हमारे घर में क्या कर रही है? वो मुझे आई ने बताया था। क्या कहा? कि उन लोगों की जो दुआएं होती है ना, उनमें बहुत असर होता है, इसीलिए मैं चाहती थी कि मस्तानी भाई यहाँ आकर हमारे पिल्लू को ब्लेसिंग्स दे। तो इसलिए तो मस्तानी भाई को घर ले आई। और मोक्ष खान? उनके साथ आउट हाउस में। एक्चुअली मस्तानी भाई की ना उंगलियां जल गई हैं, इसीलिए मैं उनके लिए क्रीम लेने इधर आई। उंगलियां जल गई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी उंगलियों के निशान देने से बचने के लिए जबरदस्ती अपनी उंगलियां जला बैठी है? मल्हार जी ने तो वो लेटर पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं उन्हें अभी सब सच बता देती हूँ। मल्हार जी, मल्हार जी, राजा जी सो गए। दादा आके पास चलो। दादा मोक्ष यहाँ पे कैसे? वो तो मैं यहाँ से गुजर रही थी तो मुझे मोक्ष की आवाज आई, मैंने देखा तो ये अकेला अंदर यहाँ खेल रहा था। मोक्ष को अंदर ले जाओ, और हाँ ध्यान रहे मैं अपने फैसले पे अभी भी अटल। मोक्ष कल्याणी के पास तब तक नहीं जाएगा जब तक वो अबॉर्शन के लिए हामी नहीं भरती है। तुम्हारी बाबा से कोई बात हुई थी? नहीं दादा। बबड़ी पता है, मैंने पहली बार बाबा को इतने परेशान होकर संगीत समारोह में जाते हुए देखा है। अगर तुम्हारी उनसे बात हो तो उनको बोलना कि मैं कल्याणी को अबॉर्शन के लिए मना लूंगा। जी ठीक है, जाओ। वो मस्तानी भाई मोक्ष को अकेला छोड़कर आखिर गई कहाँ? भाई एक चप्पल के खोने पर इतनी घबराहट, ऐसा तो नहीं कि इस चप्पल के तले किसी को रौंदने का इरादा है आपका? या फिर आप घबरा इसीलिए रही हैं क्योंकि अभी अभी आपने कल्याणी पर अलमीरा गिराने की कोशिश की जिससे मल्हार ने उसे बचाया। आओ साहेब ही कहते हैं ना। गुरु रविराम, हम पर ऐसे इल्जाम लगाने वाली तुम होती कौन हो?
और जानती क्या हो हमारे परिवार? सब कुछ जानते हैं हम आपके बारे में और आपके अहिल्या निवास में जो जो होता है। हमने आज आपको आउट हाउस के बाहर भी देखा, समझ गई ना? बच्चा मुझे दे जाओ, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मेरे पास सही रहे जी। हम तो वो देखते ही समझ गए थे कि महान नाव साहिब के इरादे नेक नहीं है। अलमीरा गिरी कल्याणी पर और चप्पल बाहर मिली आओ साहिब की। मुई चप्पल सारे राज ही खोल कर रख दी। हमें कमजोर समझने की गलती मत करना भाई। भाई? अरे आउसा है, भाई के आगे मस्तानी लगा देती तो हमें बहुत अच्छा लगता। जो भी कुछ हो, इस गांव में हमारी अभी भी बहुत इज्जत है और उस इज्जत को बचाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। परमेश्वरा, अथर्व, मल्हार जी तो यहां पे भी नहीं है। पता नहीं मल्हार जी कहां चले गए, जरूर मस्तानी बाई को ढूंढने गए होंगे। कहाँ ढूंढूं? वर्कशॉप में देख लेती हूँ एक बार। मल्हार जी कहाँ चले गए हैं? मल्हार जी, अब मैं उनसे ये बात और छुपाना नहीं चाहती हूँ कि बेबी उनका है।